हेलो गाइस, तो आज मैं आपको पांच ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप अपनी स्मार्टफोन फोटोग्राफी को बेटर बना सकते हैं, स्पेशली आप बिगनर हैं तो। पहली टिप है क्लीन योर लेंसेज, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा फ़ोन डेली यूज़ करते हैं और उसमें फिंगरप्रिंट लग जाते हैं। उसके लिए आपको ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करना है और अपने लेंसेज को क्लीन करना है। मैं स्क्रीन पर आपको दो फोटोज दिखा रहा हूँ बिफोर एंड आफ्टर की, आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। जो सेकेंड टिप है यूज़ नेचुरल लाइट। अभी भी आउटडोर शूट करने जाते हैं तो आपको ये चेक करना है कि सब्जेक्ट है उसके ऊपर सनलाइट आ रही है या नहीं आ रही, या फिर उसकी जो पोजीशन है वहाँ पे अच्छी लाइटिंग है या नहीं है। नहीं है तो आप अपने फ्रेम को उस तरीके से सेट करें ताकि जो नेचुरल लाइट है वो मिल सके। तो यहाँ पे मैं नेचुरल लाइट का यूज़ कर रहा हूँ, जो सन की रेज है वो इसके उस तरफ से क्रॉस हो रही है, तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट देगा। और मैं इसका एक फ्रेम लेके आपको दिखा दूँ उसके फ्रेम पर। थर्ड टिप है टैप टू फोकस। भी फोटोज क्लिक करता है हमेशा आपको जो फोकस है उसको टैप करके अपनी स्क्रीन पे लॉक कर देना है या फिर उसको सर्च करना है। उससे क्या होगा, आपको जो एक्सपोजर है वो कंट्रोल में रहेगा और आपकी जो फोटोज है वो काफ़ी फोकस जाएगी और बेटर क्वालिटी की आएगी। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, तो ये जो भी है ये आउट ऑफ फोकस जा रहा है, जन फोकस शिफ्ट हो रहा है बार बार। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमने हमारे हाथों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट के ऊपर लाकर उसको ऐसे टैप करेंगे और फोकस को लॉक कर लेंगे। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए, अब मैं कैसे भी मूव करूँगा तो ये जो एक्सपोजर है वो अनलॉक नहीं हो रहा है, एज इन फोकस अनलॉक नहीं हो रहा है और जो फोटो है वो काफ़ी अच्छे से क्लिक कर पा रहे हैं हम। जो फोर्थ टिप है एडजस्ट एक्सपोजर मैनुअली। सारे स्मार्टफोन में आजकल जो प्रो मोड होता है उसके अंदर आप जाके अपना जो एक्सपोजर है उनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो फोटोज की क्वालिटी है आपको जैसे डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वैसे आउटपुट मिलता है। आपको स्क्रीन पे इसके एग्जाम्पल्स है वो दिखा देता हूँ कि एक पुअर क्वालिटी एक्सपोजर और बेटर क्वालिटी एक्सपोजर की फोटोज कैसी आती है। मैं प्रो मोड में जाता हूँ और अब हम यहाँ पे इसका एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हैं इस शटर स्पीड वाले आइकन से। तो मैं इसको अल्ट्रावाइड पे जाता हूँ और ये देखिए, ये जो लाइट से वो कम हो गई। अब मैंने इसका एक्सपोजर बढ़ा दिया तो ये ओवर एक्सपोज हो गया, तो मैं इसको बैलेंस रख के फोटो क्लिक करता हूँ। जो फिफ्थ और लास्ट टिप है वो है यूज़ ग्रिड लाइन। आपने कैमरे के सेटिंग्स में जाके जो ग्रिड लाइन है उनको ऑन कर लीजिए। उससे क्या होगा, जब भी आप आउटडोर शूट करने जाते हैं तो ग्रिड लाइन आपको हेल्प करती है, जैसे रूल ऑफ थर्ड को अप्लाई करने में या फिर फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर में रखने में। इससे आपकी जो फोटोज़ की जो क्वालिटी है और जो फ्रेमिंग है वो काफ़ी अच्छी आती है और जो फोटोज़ दिखने में भी अपीलिंग लगती है। मैं आपको स्क्रीन पर उनके एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ, आपको ये जज कर सकते हैं कि जो ग्रिड लाइन है उनकी हेल्प से कितनी बेटर क्वालिटी की फोटोज़ आई है।